लिंगदो कमेटी के सख्त दिशा निर्देशों के बावजूद छात्र संघ चुनाव लगातार हिंसक होते जा रहे हैं। बुधवार को राजकीय महाविद्यालय में नाम वापसी और आपत्तियां दर्ज कराने की बात को लेकर दो छात्र गुट आमने सामने हो गए। मौके की नजाकत को देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया। पुलिस के आला अधिकारी स्थिति पर नजर बनाए हुए थे। राजकीय महाविद्यालय में बुधवार को आपत्ति दर्ज करवाने और नाम वापस लेने का समय सुबह 10 से दोपहर 1 बजे तक था। इसी दौरान निर्दलीय उम्मीदवार सुनील डूढ़ी के समर्थक बाहरी छात्र नरेश चौधरी, भगवाना राम व कुछ अन्य छात्र एबीवीपी के अध्यक्ष पद के उम्मीदवार हंसराज चौधरी के खिलाफ आपत्ति दर्ज कराने पहुंचे। बाहरी छात्रों के दखल को मुद्दा बना रही एबीवीपी के छात्रों से डूढ़ी समर्थकों की झड़प हो गई। दोनों गुटों के बीच हाथापाई हुई और बाद में पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर छात्रों को मौके से खदेड़ दिया। एडिशनल एसपी तेजराज सिंह, क्लॉक टावर सीआई राजेंद्र सिंह महसाबता कॉलेज पहुंचे और एहतियातन कॉलेज में आरएसी के जवान तैनात कर दिए। छात्र संघ चुनाव के दौरान आज नामांकन की जांच और वापसी का दिन है। इस प्रक्रिया के दौरान एक दो लड़के यहां पर आए और उन्होंने अपनी आपत्ति जतानी चाहिए, इस बात को लेकर दूसरे ग्रुप वालों ने इतराज किया और थोड़ी देर के लिए माहौल कुछ इस तरह का हो गया था, जिस पर पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा और जो लड़के यहाँ पर भीड़ अनावश्यक रूप से इकट्ठी हो गई थी उनको यहाँ से हटा दिया। सर, किसी तरह की कोई मारपीट धक्का मुक्की भी हो गई ये मेरी अभी जानकारी में नहीं है, फिर भी अगर इस बारे में किसी को कोई रिपोर्ट देगा तो उसमें कार्रवाई करेंगे। दो छात्रों को यहाँ से जो है वो बाहर से थे उनको भी खदेड़ा है यहाँ से, जो नॉन कॉलेज थे। हिरासत में लिया गया? नहीं, मैं अभी पता कर लेता हूँ इस बारे में। वो आपत्ति के लिए एक बच्चा आया, उसने कहा मैं आपत्ति देना चाहता हूँ। उसने जो ही मुझे कागज हाथ में दिया, मुझे पता नहीं वो किस कैंडिडेट की आपत्ति थी, वही लड़के उसे छीन कर ले गए और फिर हल्ला गुल्ला हो गया। बस मारपीट का पता नहीं, हल्ला गुल्ला जरूर हो गया। पुलिस ने फिर उन्हें पीछे हटा, ये मुझे नहीं मालूम क्या आपत्ति में ऐसा क्या था, मुझे नहीं मालूम, मैंने कागज पढ़ा नहीं। सर, हमारे मतलब लड़के आपत्ति लगा रहे थे किसी वजह से, तो वो कैंडिडेट जो जेल गया उसकी वजह, तो हमारे को लगाने नहीं थी और जब हम लगाने के लिए आए तो पुलिस ने भी लाठीचार्ज कर दिया और हमारी आपत्ति फाड़ दी। जिसके बाद मैं एसपी साहब के पास गया, एसपी साहब से मांग की, एसपी साहब ने मेरे को भेजा, अभी 1256 में मेरी आपत्ति दर्ज हुई। आपत्ति ये थी कि जो कैंडिडेट एबीवीपी से है वो जेल गया हुआ है और उस जेल की वजह से मैंने आपत्ति लगाई थी। सर, जो भी सफाई जो हमने परसों जो भी इन्होंने पैम्पलेट छपाए थे, खुद संगठन ने यहाँ पर राजकीय विद्यालय में सफाई की है और आज भी हम जो भी कचरा आज के विद्यालय में हो रहा है, किसी कॉलेज में हो रहा है, तो हमने हमारे संगठन के लोगों को बोला है कि वहाँ से सफाई करे, वहाँ से गंदगी, क्योंकि ये छात्र संगठन द्वारा ये कचरा हो रहा है, तो इस चीज़ को हमने आपत्ति दर्ज करवाने का और नामांकन वापसी का दिन था आज, तो आज समस्त जितने भी अभी कार्यकर्ता हैं सब काफ़ी संख्या में इकट्ठा हो रहे, जो जो प्रत्याशी है उनके समर्थक सभी यहाँ उपस्थित थे। उसी दौरान कुछ न्यूज पैदा करने वाले इस कैंपस से बाहरी स्टूडेंट जो कि इस कैंपस का नहीं है, उन लोगों ने आकर इस गवर्नमेंट कॉलेज का जो है माहौल खराब किया, यहाँ पर आकर कुछ विशेष टिप्पणी इस तरह की टिप्पणी की, यहाँ के जो छात्र थे वो भड़क गए और उसके बाद में यहाँ पर माहौल खराब हो गया, फिर पुलिस प्रशासन ने उनको तुरंत गिरफ्तार किया यहाँ से और उनको बाहर ले गए। वहीं शाम को मिली खबर के मुताबिक एबीवीपी के अध्यक्ष पद के उम्मीदवार हंसराज चौधरी के नाम को खारिज कर दिया गया। वहीं हंसराज सारण को एबीवीपी का अध्यक्ष पद का उम्मीदवार घोषित कर दिया गया। इसी तरह बुधवार को श्रमजीवी कॉलेज में अध्यक्ष पद के उम्मीदवार एनएसयूआई के जीतू खान चीता का नामांकन रद्द कर दिया गया। उसकी जगह हर्षवर्धन सिंह राठौड़ एबीवीपी के उम्मीदवार को निर्वाचित घोषित कर दिया गया। इसी के साथ श्रमजीवी कॉलेज में अध्यक्ष हर्षवर्धन सिंह राठौड़, उपाध्यक्ष नमन जैन, महासचिव मुरली मनोहर उपाध्याय, संयुक्त सचिव गोविंद सिंह सहित पूरा पैनल एबीवीपी का काबिज हो गया। मेरे को बहुत खुशी हुई आज श्रमजीवी कॉलेज में प्रेसिडेंट के लिए खड़ा हुआ हूँ, पहली बार चुनाव लड़ रहा हूँ, तो इस वजह से आज जीत की खुशी हो रही है मेरे को और हमारे साथ एबीवीपी वाले बहुत सहयोग रहा हमारा। एनएसयूआई में जीतू खान खड़ा हुआ था, उसकी वो निर्विरोध जीत गए। 19 तारीख को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने अध्यक्ष पद के लिए हर्षवर्धन सिंह राठौड़, उपाध्यक्ष पद के लिए नमन जैन, महासचिव पद के लिए मुरली मनोहर और संयुक्त सचिव पद के लिए गोविंद को नामांकित हमने दर्ज करवाया था। एनएसयूआई की तरफ से उपाध्यक्ष, महासचिव और सचिव पद के लिए कोई भी प्रत्याशी नहीं होने से हमारे 3 प्रत्याशी निर्विरोध निर्वाचित हुए और अध्यक्ष पद के लिए एनएसयूआई की तरफ से जीतू खान ने अपना नामांकन दर्ज कराया था। उस पर हमने आपत्ति जताते हुए हमने उसकी पिछले वर्ष की जो उसने बीकॉम फर्स्ट ईयर का एग्जाम दिया था उसमें वह अनुत्तीर्ण था, उसके एक पेपर में बैक थी, उसकी हमने आपत्ति दर्ज कराई। एक उसके खिलाफ किशनगंज थाने में मुकदमा दर्ज था, उसकी हमने आपत्ति दर्ज कराई और उसने प्रिंटेड जो कि लिंगदो कमेटी के अनुसार प्रतिबंधित है, उसने प्रिंटेड पोस्टर को महाविद्यालय के बाहर 200 मीटर की परिधि में लगा रखे थे। इस वजह से हमने तीनों पर आपत्ति दर्ज कराई जो महाविद्यालय प्रशासन ने पूर्णतः जाँच करते हुए सही पाए गए और इसके कारण उसका नामांकन खारिज हो गया और हमारा अध्यक्ष पद के पता ही।
डीएवी कॉलेज में एबीवीपी के संयुक्त सचिव पद के उम्मीदवार ओम प्रकाश चौधरी का नामांकन खारिज हो गया। वहीं एनएसयूआई के विपुल शर्मा को संयुक्त सचिव निर्विरोध घोषित कर दिया गया। मैं एनएसयूआई से हूं और मैं संयुक्त सचिव के लिए खड़ा हुआ हूं और इससे विजयी हुआ हूं संयुक्त सचिव से। मैं मेरी जीत से बहुत खुश हूं, मेरे सभी भाई बहनों ने मेरा साथ दिया है और मेरी जीत से मैं मेरे डीएवी कॉलेज के अंदर जो भी समस्या है मेरे दोस्तों की, फ्रेंडों की, सबकी मैं पूर्ण करूंगा और पूरा समर्थन दूंगा मेरा डीएवी कॉलेज के अंदर। और ये हमारी शुरुआती जीत है, हमारा खाता जीत से खुला है और अजमेर शहर के कॉलेज और विश्वविद्यालयों में एनएसयूआई की लहर है। एनएसयूआई हर जगह चुनाव जीतेगी और रिकॉर्ड वोटों से जीतेगी।